हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं फैक्टर स्कोर्स के बारे में। इनकी कितनी टाइप होती है और कौन सा वाला कहाँ यूज होता है। मैंने देखा कि इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि हमारे पास तीन तरह से फैक्टर स्कोर आते हैं। या तो हम किसी कंस्ट्रक्ट का मीन ले लें, जो हमारे पास पता है हमारे एक डायमेंशन या फैक्टर है, या फिर EFA के आउटपुट से आते हैं या CFA से। और बहुत सारे स्कॉलर्स को लगता है कि इनको ना हम मिक्सअप कर लें कि CFA का आउटपुट लिया और उसको हम आगे SPSS में यूज़ कर लें, या फिर EFA का आउटपुट जो है फैक्टर स्कोर आए उसको हम CFA में ले जाएं। तो एक बार इस पे बात करते हैं कि पर्पज क्या है, कौन सा कहाँ यूज होते हैं। देखिए, जो पहले वाला है मीन वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि जितने भी आपके पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, मतलब यहाँ देखिए फैक्टर कंस्ट्रक्ट डायमेंशन ये एक ही बात है, जैसे मोटिवेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, परसेप्शन, इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें आपको स्टेटमेंट पूछते हैं और जो कि आपकी लिकर्ट स्केल पे होती है, रिफ्लेक्टिव स्केल होते हैं ये। अब इसमें क्या करते हैं कि जब भी आप अलग अलग अगर चीज़ें देखें, इवन परसेप्शन, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, इनके अंदर भी कोरिलेशन मिलता है बहुत हाई, तो इनको मल्टीपल रिग्रेशन के लिए तो यूज़ कर नहीं सकते। रादर ये प्रॉब्लम थी साइकोलॉजी के जो फ्रेंड्स थे उनको, इसीलिए तो EFA को बनाया गया था। तो लेकिन फिर भी ये नहीं है कि इसका कोई पर्पज नहीं है। अगर मेरे पास यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव है, जैसे टू स्टडी द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, अब EFA या CFA इसका आंसर नहीं दे सकते। ये तो मीन स्कोर से ही पता लगेगा कि लेवल है कितना, यानी 5-point स्केल है तो देखिए 5-3 से ऊपर तो ये मतलब है, 3 से नीचे ये मतलब है। अगर आपने यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव है तब तो मीन ही काम आएगा वहां पे। तो अगर हम देखें EFA का, तो यहाँ पे पर्पज ही ये था कि टोटली अनकोरिलेटेड फैक्टर आते हैं। अब यहाँ हम मान के चलते हैं कि अलग अलग फैक्टर में कोरिलेशन नहीं आता, तो यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी तो हम निकाल ही नहीं सकते। अगर आप दो के बीच में MSV ASV कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बिल्कुल अलग पर्पज है, इसका पर्पज है कि ऐसे अनकोरिलेटेड फैक्टर बनाना जिनको मल्टीपल रिग्रेशन में यूज किया जा सके। लेकिन यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं निकाल सकते, ये याद रखिएगा चीज। तो तीसरा आता है CFA। CFA का बेसिक पर्पज ये है कि क्योंकि आप सीधे सीधे वेरिएबल तो यूज नहीं कर रहे, जैसे सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, हाइट, वेट, ऐसे थोड़ी हैं, हम तो ओपिनियन को ले रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, परसेप्शन। तो सबसे पहले उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की जाती है, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट मॉडल। तो ये जो स्कोर आते हैं, इसका जो CFA का जो आउटपुट आएगा, जिसको इम्प्यूट से हम निकालते हैं, ये जो चीज आती है ये हम बोलते हैं कि ये वैलिड है, रिलायबल है। तो इस पे जब आगे काम करते हैं तो स्ट्रक्चरल मॉडल यूज करते हैं, इन्हीं पे मीडिएशन, मॉडरेशन यूज किया जाता है। तो आइए एक बार मैं आपको ये सारे करके दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले MOS की फाइल ली और ये मैं लगभग सब में यही यूज की है, डेल डाटा फाइल है। तो देख लें, इसका नाम डेल डाटा फाइल है, 372 का सैंपल है, और रन करके देख लेते हैं। रन करके एस्टिमेट्स ये सब ठीक आ रहे हैं, वैल्यूज सारी ऑलमोस्ट ठीक हैं, फाइल वही है, पुरानी फाइल है, तो ऑलमोस्ट रिजल्ट सारे सेम आ रहे हैं इसमें, और मॉडल फिट भी ठीक आ रहा होगा। ओके, ऊपर देखते हैं CFA.9794, ऑलमोस्ट सब ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इम्प्यूट, डाटा इम्प्यूटेशन, और ये बोल रहा है DEL_C, उसी फोल्डर में कर दीजिए इम्प्यूट। ओके, डन। अब मैं देख लूँ मेरी फाइल आ गई है, डेल डाटा फाइल, हाँ जी, _C आ गई है। तो इसी को मैं यहाँ SPSS में खोल लेता हूँ, ये तो डेल डाटा फाइल है, अब हम खोलते हैं _C। _C में एक एडवांटेज ये रहेगा कि यहाँ पे ये तीनों मेरे पास आ गए हैं इम्प्यूट हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ काम और करता हूँ, पहले इन सारे फैक्टर्स का एक चीज़ देख लें, हमने कौन कौन से यूज़ किए थे इसमें। जब मैंने इसको रन किया तो 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 9, 8, 9, 10 है और 11, 12, 13 है। तो पहले इनके हम मीन स्कोर निकालते हैं, इसको तो बंद कर दें डेल डाटा को। ओके, इसके लिए हम करते हैं ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फैक्टर वन, और इसको लिखने का तरीका है, हम लिखते हैं मीन और मीन के बाद फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ओके। अभी इसी चीज़ का मैंने ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे F2, तो मैंने इसको पहले से एक्सेल में लिख के रख लिया है, बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है मुझे, 5_6new, इसका नाम मैं देख लेता हूँ, एग्जैक्ट यही नाम होना चाहिए वरना ये एरर देगा, 6Q6_new, ठीक है। तो
कॉपी, और यहाँ से हम कंप्यूट वेरिएबल F2, F2 के अंदर ये वाले ओके, वेरिएबल नेम ये बोल रहा है ठीक नहीं है, इसको कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, 8, 9, 10, 5, 6 कोई बात नहीं, इसी से करके देखते हैं। 5, 6 न्यू यहाँ पर है हमारे पास, कॉमा 8, 9, 10, मुझे लग रहा है 6 और न्यू में मैंने स्पेस दे दिया था, 10 ओके, दिस शुड वर्क ओके। थर्ड है 11, 12, 13, इसका नाम रखते हैं F3 और इसको हटा दें, टेक्स्ट फाइल 11, 12, 13 ओके। ठीक है जी, तीनों आ गए, मैं देख लूँ एक बार फाइल में, तीनों आ गए हैं, हाँ जी तीनों आ गए हैं, F1, F2, F3, ये तीनों आए हैं मीन स्कोर से, ये तीनों आए हैं CFA से, और तीसरा इनको यूज़ करें, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था ये कहाँ से निकलते हैं, तो 13 और 13 में हमने 6 और 7 ओके, 13 इसमें से 6 7 को बाहर कर दें और 6 न्यू, क्योंकि ये रिवर्स कोडिंग वाली स्टेटमेंट थी, और रोटेशन के अंदर वेरीमैक्स और स्कोर के अंदर सेव, रिग्रेशन कर सकते हैं, एंडरसन रूबिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है और कुछ नहीं, सेव वगैरह चलिए एक बार मुझे देखना भी होगा तो इसलिए इसको। पॉइंट फोर का पर्पज़ ये है कि इससे छोटे वाले हमारे हिडन हो जाते हैं, तो देख लें वही आ रहा है ना, 5, 6 न्यू, 8, 9, 10 करेक्ट, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 करेक्ट, वही चीज़ें आ रही हैं, और ये हमारे तीन आ गए। अब देखिए हमारे पास तीन तरह के अलग अलग बन गए, ये हैं EFA के, ये हैं मीन से, और ये आए हैं CFA से। चेक करें अब इनको जो मैं बोल रहा था, पहले इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है, रिलेशन के लिए मैं R को यूज़ कर सकता हूँ, 1, 2, 3 ओके, ये रिलेशन आ गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें पाइवोटिंग ट्रे से, तो खूब सारा रिलेशन है। तो होगा क्या है, जब भी इन तीनों को हम मल्टीपल रिग्रेशन में डालेंगे आपको पता है क्या होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को किकआउट करेंगे और सारे बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी इसका अपना पर्पज़ है, पर्पज़ ये है कि जब भी अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्कोर निकालें कि तीनों पर क्या निकला, वो यहाँ से हमें पता लगेगा कि तीनों 4 से 7 पॉइंट्स के लिए, तो 4 से ऊपर हैं तो मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ है या डिसएग्री की तरफ है, मीन स्कोर में इनका पर्पज होगा। लेकिन अगर इनको आपने रिग्रेशन में रन किया तो गए काम से, और इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी वो तो चेक ही नहीं की और ना कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। दूसरे पे आ जाते हैं, EFA के जो हमने निकाले हैं कोरिलेशन, हमने निकाला है AR स्कोर, मेरा ये कहना है इन तीनों का मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा और इनमें कोरिलेशन नहीं आएगा। ओके, पाइवोट पाइवोटिंग ट्रे छोटा कर देते हैं, सिर्फ कोरिलेशन देखते हैं, कोरिलेशन 0 है, मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो इनको आप एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन में रन करें। अब तीसरे पे चेक करते हैं, तो क्या तीसरे के अंदर कोरिलेशन मिलेगा, आप करें गेस ABC में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल रहेगा इनके अंदर कोरिलेशन, लेकिन इनमें एक चीज़ मिलेगी आपको स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ए और सी में और इसमें दिख रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस से आया है ना यहाँ से, इसका मतलब यहाँ हमने वो चेक किया होगा MSV ASV और ये बातें, यानी इनका AVE MSV से ज़्यादा है, ASV से ज़्यादा है, तो इसमें जब हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं हाँ रिलेशन तो है, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को, ये प्रोसेस के बाद निकलते हैं, ये याद रखिएगा ये चीज़। तो आप इसकी तरह नहीं बोल सकते पहले वाले की तरह, क्योंकि वहाँ तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी निकलेगी ही नहीं, तो यहाँ निकल सकती है। अब इससे आगे का काम अगर आप करना चाहें, प्रोफेसर हेज का जो मॉडल है यहाँ पे, अगर इनमें यूज करना चाहें, हाँ बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं ABC को और रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन इनको यूज करें, मीन को यूज करें जब आपका यूनिवेरिएट हो, रिग्रेशन में रन करना है तो इनको, रिमेंबर यहाँ पे भी कोई रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है, और इनको यूज करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए। तो ये था तीनों में डिफरेंस, जो काफ़ी स्कॉलर्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ को लगता है इसको हम वहाँ डाल दें लेकिन इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है, तीनों का अपना अपना पर्पज है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर स्कोर्स, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।